हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जोशी एंड वेलकम टू दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टीज़। आज जो फ्लोर आपको दिखाएंगे, लग्जूरियस फ्लोर इन द लैप ऑफ नेचर, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए जस्ट विद इन वन किलोमीटर रेंज ऑफ गोल्फ कोर्स रोड, 500 मीटर की रेंज है यहाँ से एमजी रोड की, और पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा पार्क, ग्रीन स्पेस सामने है, और बड़ा पार्क जिसमें प्रॉपर आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। डीएलएफ फेज टू में आए हैं। आपको एलिवेशन दिखाना शुरू करते हैं। रॉक थीम जो आप थोड़ा सा कह सकते हो, उसकी टाइल्स यूज हुई है। एंड अब आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ एलिवेशन के बाद अंदर से फ्लोर। लेट्स हैव अ लुक। तो ये हमारे स्टेयर्स है। प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। लाइट स्ट्रिप्स जो हमने ये बनाए हुए हैं, जीना बोल सकते हो आप इसको, स्टेयर्स बोल सकते हो। यहाँ एक मोल्डिंग दी हुई है छोटी सी, एज यू कैन सी, एंड ये उभरी हुई मोल्डिंग है, ठीक है। एंड इस मोल्डिंग में जो है वो लाइटिंग है, स्ट्रिप्स है लाइटिंग की, तो आँखों में भी नहीं चुभती। एंड रात के टाइम पे जब आप आओगे तो इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड लाइटफुल एट द सेम पॉइंट इन टाइम। तो आपको लाइटिंग का कोई इशू होता नहीं है। फ्लोर दिखा देता हूँ अब आपको। की और न्यूमेरिक से ऑपरेट होने वाला येल का स्मार्ट दरवाजे का लॉक है यहाँ पे। एंड यू कैन सी द डोर इज 8 फुट का बिल्कुल, एंड बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ। एंट्रेंस करते ही 4 BHK ये फ्लोर है। छोटा सा लॉबी का एरिया हमने दिया हुआ है, जहाँ आप अपने जूते वगैरह, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह, कुछ भी आइडल्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। एंड दिस स्पेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सच पर्पजेज। यहाँ से मोल्डिंग है, सेपरेट एरिया हो गया आपका पर्सनल। यहाँ जो है आपका जो है, एज यू कैन सी द स्लाइडिंग ग्लास डोर्स, यूनिक कंसेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज योर ड्राइंग एरिया, ब्यूटिफुल ड्राइंग एरिया, नॉट जस्ट द ड्राइंग एरिया, ब्यूटिफुल ड्राइंग एरिया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यू कैन यूज इट एज अ ऑफिस स्पेस। कलर कॉम्बिनेशन थ्रू आउट आइवरी, सूदिंग लाइट कलर्स रहेंगे। डिजाइनर फैंस हैं ऊपर, पार्टीशन है, शैंडलर है, ब्यूटिफुल लुकिंग शैंडलर। और यहाँ पे जो हमने बनाई हुई है फॉल सीलिंग, इसमें जो हमने कैबिनेट, छोटा सा लकड़ी का काम भी किया हुआ है, द कॉम्बिनेशन आर ब्यूटिफुल। ये एक स्पेस आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने छोटे मोटे कुछ भी, जो भी आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, आर्टिफैक्ट्स, आइडल्स, वो पुट कर सकते हो। ब्यूटिफुल, स्पेशियस, बहुत बढ़िया स्पेस। आपको बाहर दिखा देता हूँ मैं। सी, स्पेशियस दिस एरिया। और यहाँ पे आप, वो टैप हो गई तो थोड़ा सा वेट एरिया यूज हो सकता है। एंड यहाँ आप अपने झूले लगा सकते हैं। ऊपर का आप देखो तो हमने ब्यूटीफुली इसको बिल्ड किया है, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड एज यू कैन सी जो पार्क फेसिंग में आपको बता रहा था, ये एक छोटा पार्क, वो एक बड़ा पार्क। और यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ गेस्ट रूम में। 400 गज की प्रॉपर्टी, सामने का पार्टीशन, पीछे का जो है वो सेपरेट है विद इन द सेम हाउस। एंड दिस इज द गेस्ट रूम। एंट्री कर रहा हूँ मैं वहीं से, बाहर के एरिया से ही। एंड सी ऊपर की फॉल सीलिंग आप देखो, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग। एंड दिस इज द कुशनिंग कह लो, बेड के पीछे की डिज़ाइन कह लो, दिस इज अ ब्यूटीफुल लुकिंग डिज़ाइन। दिस इज द शैंडलर हैंगिंग, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ में एंटर करता हूँ आपके वार्डरोब में। सो दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, सेपरेट ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे कैबिनेट्स आप यहाँ देख ही सकते हो, फ्रेम हमने की हुई है, यहाँ लकड़ी की फ्रेम है। यहाँ से एंटर किया, वॉल टू वॉल एंट्री, इसके टाइल्स ब्यूटिफुल लुकिंग कलर्स। सी, एंड दिस इज द वॉल हैंगिंग सीट, टेबल टॉप, एडिक्वेट स्पेस। एंड दिस इज अ राउंड मिरर, ब्यूटिफुल इजंट इट। सी, एंड शार एरिया बिल्कुल सेपरेट है, गीजर सम एओ स्मिथ के लगा के दे रहे हैं आपको। तो कैसा है ये गेस्ट रूम, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब फटाफट से चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं अंदर का जो एरिया है, अंदर के जो रूम्स हैं, ठीक है। अंदर किचन एरिया आपका आ जाएगा, रूम्स आ जाएंगे, पाउडर रूम है। यहाँ से मैंने कहा ना, फ्रेम लगा के इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द पाउडर रूम, एज यू कैन सी ब्यूटिफुली बिल्ट, स्मॉल वॉल टू वॉल टाइल्स के साथ।
पाउडर रूम डिज़ाइनर टाइल्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया में आ गए हम। ये आपका हॉल हो गया, यहाँ आप अपने डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। दिस इज़ द किचन एंड इस किचन के साथ यूटिलिटी बैल्कनी। देखो आप, वेट एरिया की यूटिलिटी बैल्कनी बिल्कुल अलग है, जो हॉल के साथ भी अटैच होती है और यहाँ से बिल्कुल ही स्पेशियस लुक देते हुए इस किचन को। यहाँ आपका वेट एरिया, आप अपने पोचे वगैरह मॉप और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पुट कर सकते हो। स्मॉल बट यूजफुल फ्रेम है यहाँ पे, ब्यूटीफुल फ्रेम है। यहाँ से एंटर किया, कमरे की साइज की किचन मिलेगी भैया आपको। एंटर करते ही द वेट एरिया, सी दिस इज द वेट एरिया, स्वान नेक, दीज आर द कैबिनेट, फुल्ली मॉड्यूलर किचन एज आई एम टेलिंग यू। दिस इज द काफ का जो है, दिस इज द फुल्ली मॉड्यूलर किचन, जैसे कि मैंने आपको कहा। यहाँ हम आपको हॉब, चिमनी, आपके माइक्रोवेव, आपके डिश वॉशर सब लगा के दे रहे हैं। एसी भी फिटेड है, एज एंटर करेंगे तो आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका जो है एरिया है, आपके रेफ्रिजरेटर के लिए एसी फिटेड है। दिस इज योर स्पेस फॉर द पेंट्री, वेरी गुड लुकिंग, गुड कलर थीम्स के साथ। ये देखो स्पेशियस, ये देखो बिल्कुल। और लाइटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, दिस इज द एरिया जहां से बैल्कनी एक्सेस हो सकती है। टाइल्स आप देखो, ब्यूटीफुल टाइल्स है, पूरा पूरा ही। तो आप देख सकते हो फुल्ली जो मॉड्यूलर किचन की कंसेप्ट में यही आता है। और लाइटिंग देखो आप, बिल्कुल सूदिंग लाइट। आप काम कर रहे हो थोड़ा शाम के टाइम, थोड़ा सा अगर उजाला कम है तो इस सूदिंग लाइट में आप काम कर सकते हो। आपको प्रॉपर पूरी लाइटिंग जलाने की जरूरत नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी, सेव एनर्जी, राइट। सो दिस इज़ द अगेन डाइकिन के किचन फिट है। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा और जो भी आप अपना टीवी पैनल उस तरफ इस तरफ किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। दीज आर द लास्ट थ्री बेडरूम्स, 4 BHK मैंने आपको कहा था ये रूम है। लेट्स एंटर दिस रूम फर्स्ट। ये एक और आमने सामने एक पीछे, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। यहाँ वेंटिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुली हो जाएगा, वो वेंटिलेशन का एरिया हो गया आपका, राइट। एंड लुक, डिज़ाइनर जिसे बोलते हैं ना बेडरूम को, ये है ये एरिया। आप देखो वॉल टू वॉल हमने बनाया हुआ है, कुछ नहीं। ये जो है आपके हो गए वार्डरोब्स, राइट। वार्डरोब है आपके, ब्यूटीफुल वार्डरोब्स, ठीक है। और यहाँ आपका बेड लग जाएगा। ये अटैच वॉशरूम है, ठीक है, अटैच वॉशरूम है जिसमें कि आपको क्यूबिकल अलग है, शार एरिया का क्यूबिकल बिल्कुल अलग है। वेंटिलेशन यहाँ ऊपर है, यहाँ से भी वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने का मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बेडरूम और ये देखो आप, मास्टर बेडरूम, ब्यूटीफुल है, कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। थोड़ा सा मॉफ कलर, थोड़ा सा ऊपर वॉल्स पे हमने ये थीम दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो वार्डरोब एरिया बिल्कुल सेपरेट है। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम, लाइवली साइज है वॉशरूम का, एज यू कैन सी विट्रा के फिटिंग्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया साइज की शार वॉलिंग सीट है, ठीक है, लग रहा है ना, सही बढ़िया। तो इसी के साथ पीछे की तरफ जो है वो बैल्कनी है, ठीक है, ये पीछे की बैल्कनी हो गई, ये आ गई पीछे की बैल्कनी। यहाँ भी टैप्स हमने दी हुई है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और स्मिथ के गीजर्स जो है वो अंदर नहीं बाहर ही फिट हो गए। आप देख सकते हो दोनों साइड गीजर का स्पेस अंदर यूज़ नहीं किया, इनफ एडिक्वेट साइज़ है यहाँ की। कॉफ़ी टेबल आप अपना वो झूला लगा सकते हो, बढ़िया लगेगा यहाँ पे। और ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला बेडरूम। इसकी फ्लोरिंग देखो आप, वुडन फ्लोरिंग, ब्यूटीफुल थीम के साथ, ब्यूटीफुल लुक के साथ। एंड दिस इज वेयर यू कैन प्लेस योर बेड, ठीक है। एंड दिस इज योर एरिया, थोड़ी सी स्टडी टेबल वगैरह कुछ आ सकती है। एंड द सेपरेट, वेरी सेपरेट एरिया फॉर योर वार्डरोब, ऑटोमेटिक लाइटिंग के साथ माय फ्रेंड्स। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑब्वियसली ये देखो आप, ठीक है, मिरर का साइज देख सकते हो, सेपरेट जो है वो क्यूबिकल है आपका। एंड दिस इज योर वॉलिंग सीट।
तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये फ्लोर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है. और हमें बताओ कि किस तरीके की वीडियोस और आपके लिए लेके आए. आन अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, विच आई एम श्योर यू वॉन्ट टू, जस्ट वन यूनिट लेफ्ट इन दिस बिल्डिंग. सो डू लेट अस नो. नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं. डू विजिट दिस साइट. थैंक यू सो मच.